इसके साथ तो ज्यादती हो गई। कुछ कहा आपने? नहीं तो तुम्हारी रोनुमाई का तोहफा। सो जाओ। जानती हो अन्ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने साबरा आपा को मना किया था कि ये बहुत कम उम्र है, मुझे पता होता ना तो मैं कभी ऐसा ना करता। क्या मेरा जिंदगी की खुशियों पर कोई हक नहीं है? इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं? तुम तो सब जानती हो आमना, फिर भी तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं पानी पीने आई थी। तुम चलो, मैं पानी ले। अरे अम्मा, आप क्यों मेहनत कर रही हैं? मैं काट देती हूँ ना सारे। रहने दो, मैं खुद काट लूंगी। आज तो मेरी अम्मा बहुत प्यारी लग रही हैं। खैरियत तो है? आज अम्मा पे इतना लाड क्यों आ रहा है? लाटी क्या बात, मेरी अम्मा है ही प्यारी। नहीं अच्छा अम्मा, वो समीना ने ना मंगनी का सामान देखने के लिए बुलाया है। उसके ससुराल वालों ने बहुत अच्छी चीजें भेजी हैं, वो देख के मैं जल्दी से आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ ना। हर वक्त तुम्हें सैर सपाटे की पड़ी रहती है। वाटसी खाने का सारा काम पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? अरे तो आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं आके कर दूंगी ना सारे काम। माँ प्लीज ना, बस एक घंटे की बात है, मैं बस फौरन आ जाऊंगी, पक्का। अच्छा चली जाना। लेकिन देखो, अगर ज्यादा देर लगाई ना तो फिर कभी भी कदम बाहर नहीं निकाल सकोगी घर से। ठीक है, एहतियात से जाना और सीधी समीना के घर जाना। ठीक है अम्मा, थैंक यू। आप फिक्र ही मत करो, मैं बस यूं गई और यूं आई। थैंक यू, सारे काम कर दूंगी आपके, टेंशन नहीं ले। बेवकूफ लड़की। कमाल, आखिर तुम अपने घर वालों को अम्मा के पास कब भेजोगे रिश्ते के लिए? इतनी जल्दी भी कह रहा है? पहले कोई काम तो मिलने दो,
हो जाएगी शादी भी? हाँ हो जाएगी, तुम काम ढूंढते रहना और अम्मा मेरी शादी कहीं और कर देंगी। अब नहीं मिलती नौकरी तो क्या करूँ, और वैसे भी तुम्हारी अम्मा मेरी नौकरी वगैरह हमारी शादी कभी नहीं करवाएंगी। नहीं करवाएंगी ना, तो ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम ढूंढ लेना कोई और। अच्छा सुनो, तो तुम नाराज बहुत जल्दी हो जाती हो, लेकिन एक बात कहूँ, तो नाराजगी में भी बहुत प्यारी लगती हो, दिल चाहता है कि। अच्छा बस बस, ज्यादा फ्री होने की जरूरत है। और सुनाओ पापा, घर में तो सब खैरियत है ना? फरीद का काम कैसे चल रहा है? वाह रशीद मियाँ वाह, खैरियत की भी खूब पूछी तुमने। अरे हमारे घर की कोई बात तुमसे ढकी छुपी है? हर बात से तो वाकिफ हो। फरीद की जब से नौकरी लगी, कमबख्त मारा, बीवी को ले गए, मुझ बुढ़िया बेवा को छोड़ के अलग हो गया, और आजकल की बब्बों से तो अल्लाह बचाए। अरे ससुराल में कदम धरे नहीं, नाखून से मांस जुदा किया नहीं। बस आपा, अल्लाह हिदायत दे ऐसी औलाद को जो बीवियों के कहने में आके माँ के फराइज भूल जाते हैं। हाँ मियाँ, अल्लाह ही हिदायत दे तो दे, वरना बंदे से तो कोई तवक्का नहीं। चलो छोड़ो, ये बताओ कि दुकान कैसी चल रही है? बस आपा, गुजारा हो रहा है। रिस्क में बरकत तो घरवाली के दम से होती है। ठीक कहते हो मियाँ रशीद, अरे औरत के बगैर भरा भराया घर भी ना खाली मकान लगता है। अल्लाह बख्शे, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी औरत थी। मैं ही बदनसीब था जो उसे कोई खुशी ना दे सका। कुछ कहा तुमने? नहीं आपा, नहीं नहीं, तो तुम ठीक कह रही हो आपा, वाकई वो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय। बस मियाँ, जो अल्लाह की मर्जी। अरे मरने वाले के साथ जीते जी जीने वाला मर तो नहीं जाता ना। क्या मतलब खाला, क्या हुआ मुझे? ठीक तो हूँ, घर भी ठीक है। हाँ मियाँ, घर को क्या होना है? अरे तुम्हें जिंदा रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए एक साथी की जरूरत है। मरने वाली का गम अपनी जगह, अब तुम अपना घर बसाने का सोचो। कैसी बातें करती हो आपा, अब इस उम्र में कौन लड़की शादी के लिए तैयार होगी मुझसे? अरे अरे लड़कियों की कोई कमी नहीं है, बस तुम हामी भरो। कई घराने हैं मेरे हाथ में, अगली बार आऊंगी ना तो सारी लिस्ट लेकर आऊंगी, बस तुम सोच के रखना। अच्छा मैं चलती हूँ, वो है ना इमाम साहब की बीवी, उन्होंने भी अपनी लड़की के लिए मुझे कहा है। अरे मुझ बुढ़िया को अपनी पेट की आग बुझाने के लिए घर घर गली गली जाना पड़ता है। अच्छा देखो, तुम सोच के रखना, मैं आऊंगी। अल्लाह हाफिज। अरे खाला, मेरे काम का क्या हुआ? आपसे कहा था ना रजिया के रिश्ते के लिए। सलमा तुम तो जानती हो भाई, मेरा जन्म जन्म का काम है ये। मेरे पास एक से एक और 101 रिश्ते हैं, पर क्या खाला? अरे सलमा बहन, बात ये है कि आजकल लोगों को ना लड़की के साथ ट्रक भर जहेज भी चाहिए होता है। तुम तो जानती हो खाला, रजिया के बाप के मरने के बाद हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। कुछ उनकी पेंशन आ जाती है, कुछ मैं थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, जो पैसे मिलते हैं उससे दो वक्त की पेट की आग भी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। अगर ये घर किराए का ना होता ना, तो मैं कब का बेच के रजिया की शादी कर चुकी होती।
हाय सलमा बहन, तुम ठीक ही कह रही हो, अल्लाह की कसम। गरीब इंसान तो हर तरह से पिसता है। अरे सर ढापो तो पेट नंगा होता है, पेट ढापो तो सर नंगा होता है। और आजकल महंगाई साथ में आसमान पर है, गरीब इंसान कैसे गुजारा करे। तो खाला ऐसी जगह रिश्ता देखो ना जो लोग हमारी तरह के हों। सच कहती हूँ खाला, मुझे अकेली औरत से जवान बच्ची का बोझ नहीं उठाया जाता, बहुत मुश्किल होती है। मेरे पास एक रिश्ता है पर। हाय खाला तो बात चलाओ ना। वो ये कि उसकी उम्र ज्यादा है लेकिन पैसा बहुत है। अल्लाह की कसम लड़की को बहुत खुश रखेगा अगर तुम उसके लिए यस कह दो। तुम बात चलाओ ना। अच्छा खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें नौकरी मिल गई है? अभी मिली तो नहीं है पर उम्मीद पूरी है। कमाल, तुम्हें जैसे कोई भी नौकरी मिले ना तुम फौरन कर लेना। जानते तो कि अम्मा को कितनी जल्दी मेरी शादी की। जैसे कोई माकूल बंदा मिलेगा तो पकड़ के फौरन दो मोल पड़वा देंगी। तुम फिक्र नहीं करो रसिया, इस बार ज़रूर काम बन जाएगा। मेरे दोस्त से मेरी बात हुई है तो कल मुझे यहाँ से ले जाएगा। कहाँ? ओ, शहर से बाहर जाना होगा नौकरी के लिए। शहर से बाहर? हाँ पर तुम परेशान नहीं हो, हफ्ते के हफ्ते छुट्टी हुआ करेगी, मैं आया करूँगा यहाँ। ठीक है जो भी हो जल्दी करो और अम्मा से आकर मेरा हाथ मांगो, वरना तो कुछ नहीं होगा। वरना बस तो मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। मैं कल निकल रहा हूँ इसीलिए तुमसे मिलने आया था। तो अपना ख्याल रखना। लेकिन आपा आमना को गुजरे अभी दिन कितने हुए हैं, मेरा दिल भी नहीं मानता, आधी गुजर गई है आधी और गुजर जाएगी। अरे भाई रशीद अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 38 से 40 बरस। इस उम्र में तो आजकल लड़के पहली शादी करते हैं और फिर घर को बसाने के लिए समेटने के लिए एक माकूल औरत की जरूरत होती है। खाली घर औरत की वजूद के बगैर अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने एक अच्छे घराने को देख लिया है, गरीब घर की लड़की है, सारी जिंदगी तुम्हारे एहसान तले दबी रहेगी, मान लो। ठीक है आपा, लेकिन लड़की मेरे जोड़ की हो तो ज्यादा अच्छा है। तुम तो जानती हो मैं 40 के पेठे में हूँ। अहमिया पागल हुए हो क्या है? अरे लोग सीधी सादी और कम उम्र लड़की की फरमाइश करते हैं, फिर मर्द की उम्र कौन देखता है? कम उम्र लड़की होती है ना तो मर्द जैसे चाहे उसे ढाल लेता है। अरे जरा ज्यादा उम्र की हो ना तो वो बीवी कम माँ ज्यादा लगती है। मगर आपा अगर मगर कुछ नहीं, मैंने लड़की की माँ को जबान दे दी है, अब के मैं आऊंगी ना तो साथ लेकर ही जाऊंगी। हाँ ठीक है आपा, तुम्हारे इसरार पे मैं ये जुआ खेल लेता हूँ। सलमा अगले जुम्मे की तारीख ठीक है ना? जैसे उनकी मर्जी, मेरी तरफ से तो सारी तैयारी मुकम्मल है। ज़ाहिर है बच्ची को खाली हाथ तो नहीं भेजूंगी ना? अरे सलमा दूल्हा है ना रशीद, पता है क्या कह रहा था, माँ बाप के लिए तो बेटियाँ ही सब कुछ होती है, और वो अपनी बेटी मुझे दे रही, समझो सब कुछ मुझे दे दिया। अल्लाह खुश रखे रशीद मियाँ को, अगर उन जैसे चंद लोग और हो जाए ना तो हम जैसे गरीब माँ बाप पे बेटियाँ कभी भी बोझ ना हो। इस खुशी में मिठाई तो दिखाओ। ये लो ये लो। Thank you.
अम्मा मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी तू ये शादी? अरे कब तक ये बैठी बैठी मेरे सीने पर मुंह डालेगी? कहां तक मैं अकेली औरत तेरी हिफाजत करूंगी? तेरी वजह से मेरी रातों की नींद हराम है, और जब तक तुझे मैं रुखसत नहीं कर लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। अम्मा मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, और अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की कोशिश की तो क्या हैं? तो क्या सैली के घर जाने के बहाने तू क्या गुल खिला रही है? और वो कौन है जिसे तेरे मुंह में ही जुबान डाली है? बोल, जवाब दे। अम्मा वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसी से शादी करूंगी, क्योंकि मैं भी उससे शादी तो तुझे यही करनी पड़ेगी, वरना तू मेरा मरा बापू देखेगी, उसके बाद तू जहां चाहे शादी कर लेना। मैं उन्हें जुबान दे चुकी हूं। बेटा कल यहां कुछ और नुक्कड़ पे मिलने वाली मोहब्बत कभी भी औरत के सर पे इज्जत का साहिबान नहीं रखती, बल्कि औरत मोहब्बत के शराब के पीछे भागते भागते रुल जाती है। तू मेरी बात मान ले, अपने आप को आजमाइश में ना डाल, अपने आप को आजमाइश में ना डाल, मान ले बात मेरी। शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। कोई दूर मुझसे चला गया जो मुझे पनाह न दे सका, कोई दूर मुझसे चला गया जो मुझे पनाह न दे सका, मेरा दोष क्या है मेरे खुदा कि मेरे नसीब में है लिखा।
रजिया, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ। जी आई। तुम दरवाजा बंद कर लेना। जी। तुम यहाँ? हाँ, ये मेरा घर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी शादी हो गई है। रशीद भाई ने शादी कर ली? तुम रशीद भाई की? और तुम रशीद? नहीं, कजन। तो तुमने शादी कर ली? कमाल, मेरे यकीन करो, मैंने अम्मा को समझाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने मेरी एक ना सुनी। अम्मा ने मुझे कसम दी थी कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो अपने हाथों से अपनी जान लेने की। मैं क्या करती? मैं मजबूर थी कमाल, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम जानती हो ना, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिर भी तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं अम्मा की वजह से मजबूर थी कमाल, मेरा यकीन करो, मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। हमेशा।
आ कमाल बैठ। वैसे तुमने ठीक नहीं किया रशीद भाई, मेरे पीछे शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। अरे मैं कौन सा हमेशा के लिए गया था। अबे यार बस साबरा आपा को जिद सवार हो गई थी कि मेरा घर बसा के रहेंगी, दूसरे रजिया की अम्मा को भी जल्दी थी, बस सब कुछ सादगी से हुआ और तू कौन सा अपना पता देकर गया था। वैसे एक बात बोलूं। हाँ बोल। तुमने रजिया के साथ कुछ ठीक नहीं किया, सब कुछ जानते हुए भी। क्या किया मैंने रजिया के साथ? नहीं मेरा मतलब है रजिया तो उम्र में मुझसे भी छोटी है, तुम्हें तो कुछ ख्याल करना चाहिए था। इसमें भी मेरी गलती नहीं है कमाल, मैंने साबरा आपको कहा था किसी पक्की उम्र की औरत को देखे, लेकिन रजिया की अम्मा को भी एतराज नहीं था, दूसरे साबरा आपा ने मुझे रजिया की उम्र के बारे में कुछ बताया ही नहीं। बता तो राम, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था, तू बता ना तेरी नौकरी का क्या बना। नौकरी ठीक है, अच्छी नौकरी है, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी है। अरे वाह, आया करूंगा यहाँ पर। मैं रजिया को कहूंगा तेरे लिए भी लड़की ढूंढे। अब मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अबे पागल, सब यही कहते हैं। रजिया मुझे भी चाय पिलवा दो। कमाल तुम दोपहर को दुकान पर आ जाना, मैं सोच रहा हूं जब तक तुम यहां पर हो मैं भी घड़ी दो घड़ी आराम कर लूं। हाँ हाँ रशीद भाई, उसकी फिक्र ही ना करो। अरे बल्कि मैं खुद खाना लेकर दुकान पे आ जाऊंगा, दोनों भाई मिलके खा लेंगे। हैं चलो ठीक है। रजिया मैं दुकान के लिए निकल रहा हूं। छोड़ मेरा इंतजार नहीं होता। क्या हुआ तुम्हें, तुम परेशान क्यों हो कमाल? कभी कभी डर सा लगता है कि अगर रशीद को सब कुछ पता चल गया तो। कौन बताएगा उन्हें? हाँ कैसे पता चलेगा? तो है फिर भी जाने के खौफ से। अच्छा ना, फजूल में मेरा मूड मत खराब करो। वैसे ही मैं 1-2 दिन में चला जाऊंगा। हाँ और तो मेरे दिल में वसवसे डाल रही हो। तुम परेशान नहीं हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। याद हो कोई गए हुए काफी दिन हो गए, आया नहीं, इस हफ्ते भी नहीं आया। उसने कुछ कहा था तुमसे जाते वक्त? नहीं,
मुझसे क्यों कहेगा? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? हाँ वो दिल नहीं चाह रहा, भूख लगेगी तो खा लूं। चलो ठीक है। अरे खाया क्या था? एहतियात से बेटा। बेटा एहतियात से, ख्याल करना होगा, एहतियात करनी होगी। खैर से अब तुम माँ बनने वाली हो, कितनी खुशी की बात है। शाबाश। क्या बात है रजिया, क्या तुझे माँ बनने की खुशी नहीं हुई? ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठी है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तो बस जरा सी थकान है ना, इसलिए। चल अंदर चल के आराम कर ले, मेरी भी मत मारी गई है। चल अंदर चल, ला ये मुझे दे दे। शाबाश। आज मैं रजिया को डॉक्टर के पास लेके गई थी। अच्छा। खैर से रजिया माँ बनने वाली है। रजिया तो अभी बच्ची है, अब आप ही को उसका ख्याल रखना होगा। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को ये बच्चा। अरे बच्ची एहतियात से, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी, अब तुम्हें इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। क्यों रशीद मियां, आप ही समझाइए ना इसे। चल अंदर चल के आराम कर ले। चल बेटा अपना ख्याल रखा कर बच्चे। चलो बेटा। शाबाश। होश, होश, होश। किसका बच्चा है वो? वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। तुम्हारा तो नहीं हो सकता ना। क्या बकवास कर रही है तू? ये बकवास नहीं सच है। मुझे तो शादी वाली रात ही शक हो गया था, जब तुम अपनी बीवी की तस्वीर के सामने अपनी कमजोरी का इकरार कर रहे थे। कैसी कमजोरी? बकवास करती है तू? ये कहकर अपने गुनाह पर पर्दा डालना चाहती है? धोखा दिया तूने मुझे। धोखा? धोखा तो तुमने मुझे दिया। उसे ये बात छुपा करके तुम किसी भी औरत को वो खुशी नहीं दे सकते जो एक औरत की आरज़ू होती है। सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया? झूठ है ये, झूठ है, बकवास है। तू बदकिरदार औरत है। हाँ, हूँ मैं बदकिरदार औरत, लेकिन मुझे ये सब करने पे मजबूर किसने किया? हाँ? तुम जैसे मर्द ये चाहते हो कि औरत ही तुम्हारी कमजोरियों से समझौता करे, तुम्हारा भरम रख के। आखिर क्यों, क्यों तुम लोग औरत से कुर्बानी मांगते हो? क्यों औरत को ही समझौता करना पड़ता है, बोलो। तुम ये कहकर अपने गुनाह पे पर्दा नहीं डाल सकती? मैं सारे मोहल्लों को तेरे किरदार के बारे में बताऊंगा, वो तू करेंगे। मेरा दोष क्या है मेरे खुदा, कि मेरे नसीब में है लिखा मुझे ढूंढने से भी क्या मिला, ना था अंत को सारे मोहल्लों को तेरे किरदार के बारे में।
रजिया कमाल क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कमाल है वो रशीद। क्या हुआ रशीद भाई को? रशीद को सब कुछ पता चल गया हमारे बारे में, वो मोहल्ले वालों को सब कुछ बता देगा, और अगर अम्मा को पता चल गया तो मुझे जान से मार डालेंगी। कमाल है, कमाल तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कमाल है तुम कुछ बोलता क्यों नहीं है? बोलो। कुछ नहीं होगा, तो फिक्र नहीं करो। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं। जल्दी करो, हम कहाँ जा रहे हैं कमाले? वो मेरा एक दोस्त रहता है शहर में, उसके सारे घर वाले गांव में होंगे, वो घर पर अकेला होगा, हम वही चलते हैं, बेहतरीन जगह है, तू चल। कमाल लेकिन रशीद, तुम अपनी जुबान बंद रखो, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं रशीद भाई के बारे में, समझ गए? अब चलो 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 जल्दी करो। सुल्तान। हाँ बे, कौन आ गया? अबे कमाले तू? हाँ यार, वो ये रजिया तुझे बताया था ना? हाँ बताया था तुमने, बताया था। आओ अंदर आओ, अंदर आओ, अपने ही घर। अरे रजिया परेशान नहीं हो, आ जाओ।
तू परेशान ना हो। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। चल ठीक है। आजा रजिया, आजा बैठ जा। हुए। शुक्र है भाई। पता चला तो वो क्या सोचेंगी? और रशीद, या खुदा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हुआ रजिया, चुप क्यों? मैं हमेशा यहाँ थोड़ी रहना है, मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा, हम लोग वहां चले जाएंगे। बस कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा रसिया। इधर देखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा यार, मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ अब। कहाँ भाई, तू कहाँ जा रहा है? और यार तुम दोनों ऐश करो, मैं किसी दोस्त के साथ बंदोबस्त कर लूंगा अपना। खुदा हाफिज़। आज तो मेरी अम्मा बहुत प्यारी लग रही हैं। खैरियत तो है? आज अम्मा पे इतना लाड क्यों आ रहा है? लाड की क्या बात, मेरी अम्मा है ही प्यारी, नहीं? तो बहुत कम उम्र है, इसके साथ तो ज्यादती हो गई। कुछ कहा आपने? नहीं तो आज मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगा, तबीयत खुश हो जाएगी तेरी। क्या बात है, क्या बात है! ओए चुप कर जा रजिया। आ रही ओ चाय ले भाई। क्या बात है जी, कमाल। आप हमारे लिए दूसरे घर का इंतजाम क्यों नहीं करते? कब तक हम यहाँ मुसाफिरों की तरह पड़े रहेंगे? हाँ करते हैं, कुछ देखता हूँ मैं। तुम जाओ आराम करो, अंदर जाओ। शाबाश। लो बातें सुन लो इनकी। मैं सरकारी अफसर लगा हुआ यहाँ पे। यार तू परेशान क्यों होता है? और वैसे गलती तेरी है, तुझे इस मुसीबत को अपने गले में डाल के साथ लाने की जरूरत क्या थी? मेरे भाई को लड़कियों की कमी है क्या? बोल तो सही रहा यार, फिर तू बातें भी सुनना यार, हैं? नौकरी ढूंढ लो, ये कर लो, शादी कर लो, किराए का मकान चाहिए, हैं? जिंदगी अजाब कर ली इसको पाल के। खैर तू परेशान ना हो, इसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे। हाँ। अच्छा उठ चल, वो इंतजार कर रही होगी। हाँ
ये रे भाई सुल्तान, एक हाथ तेरा और एक हाथ मेरा। खाले बता। ये क्या बात है? खेल में ध्यान नहीं है आज तेरा। क्या बात? हाँ यार, तू एक काम तो कर भाई का यार, वो अपनी रेला के पास ले चल। हैं? बड़ा मूड हो रहा है, चलना यार, चल चले। अबे उसके लिए जेब में नोट होने चाहिए, कंगलों को तो गाज भी डालती हो। अबे यार नोट ही तो नहीं है मेरे पास, नोट होते तो यहाँ तेरे साथ बैठा होता। हाँ एक कीमती चीज है मेरे पास, ये ले घड़ी, बेच दे। अबे चेक कर ले अच्छी तरह, असली है। कर ले भाई। अबे ये चाइना की घड़ी है, इसको देख के तेरे को करीब भी नहीं आने देगी वो। अबे अब इससे कीमती चीज नहीं है मेरे पास। ना 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 मेरी जान, ऐसी बात ना कर। सबसे कीमती चीज तो तेरे पास है। कीमती चीज? वो क्या है बे? मुझे अच्छा आदमी नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं कमाल को कैसे समझाऊं, क्या बताऊं उसे कि वो मुझे कितनी खराब नजरों से देखता है। क्या लाए? ये क्या है? तुम्हारी शादी का जोड़ा। हमारी शादी का? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा। कैसे लग रहे? बहुत प्यारा लग रहा है। शाम को मौलवी को लेकर आऊंगा और कलम निकाल कर देंगे। अब तो तुम खुश हो रहे हो।
क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कमाल का है, कमाल। कहाँ जा रही हो मेरी जान? तुम्हारा कमाला तो इस वक्त किसी और की बाहों में सो रहा होगा, और तो मेरी। देखो मैं कहती हूँ मेरे करीब मत आना, पीछे हटो, छोड़ो मुझे, मेरे करीब मत आओ, छोड़ दो मुझे। क्यों? अपने कमाले के साथ तो दिन रात, वो तो तेरा खसम भी नहीं है, वो तेरी मदद करने नहीं आएगा, उसने तेरे लिए मुझसे पैसे लिए, और तू तो मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी जब मैंने उस खबीस कमाले के साथ तुझे देखा था। बहुत इंतजार किया मैंने, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे जाना पड़ता है कमाल। ए, तू उसके लिए मुझसे गिड़गिड़ा रही है जो एक रात के लिए तेरे दाम खड़े करके खुद किसी और की बाहों में सो रहा है, हैं? क्या बकवास है, मेरे करीब मत आना, मेरे बेटे को। अली कहाँ भागती है? इधर से, ये तेरी रिश्तेदार लगती है क्या? हैं? ये मेरा और इसका आपस का मामला है, तू अपना रास्ता ना पुर, निकल इधर से। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पे यकीन मत कीजिएगा, ये मेरे पीछे पड़ा है, खुदा के लिए, खुदा का वास्ता, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। दफा हो जा कमीने, ये मेरी बीवी है। बीवी? कमाले ने धोखा किया मेरे साथ, किसी और की बीवी मुझे सौंप दी। नहीं छोड़ूंगा साले को, नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत में अंधी हो गई थी, मैं नहीं जानती थी कि वो आपको मारने की कोशिश करेगा, और मेरी यकीन कीजिए, मैंने तो आपको बचाने की भी कोशिश की, मगर उसने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मैं तो खुदा को मेरी जिंदगी मंजूर थी, जो दम घुटने से मैं बेहोश हुआ और तुम लोग मुझे मुर्दा समझकर भाग गए। कर दीजिए,
जानती हूँ कि मैं माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं, आपकी गुनाहगार हूँ, लेकिन फिर भी खेलते जाए अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, आप जो सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। नादानी में बड़ी ठोकर खाई है मैंने, बड़ी ठोकर खाई है। तुम्हारी गलती बहुत बड़ी थी और तुम्हें उसकी सजा भी मिल चुकी, तो फिर मैं कौन होता हूं सजा देने वाला? धोखा तो मैंने भी दिया था तुम्हें और तुम्हारी मां को अपनी असलियत न बताकर, शायद इसी की सजा मिली मुझे। इस उम्र में नादानी हो ही जाती है, मैं कोई बहुत आला जर्फ इंसान नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी इस पहली गलती को माफ करता हूं। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कमाले को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसने मुझे मारने की कोशिश की, माना कि वो मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन मैंने उसे सगों की तरह चाहा। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अबे साले, तू अपने बाप का महल समझ के याशी कर रहा है यहाँ पे? मैं तुझे उस छमिया के अड्डे पे ढूंढ रहा हूँ। अबे क्या बकवास कर रहा है, क्यों मूड खराब कर रहा है? आजा बैठ जा रहा हूँ। मूड के बच्चे, तूने मुझे एक ऐसी औरत भेज दी जो पहले किसी और की बीवी थी। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास कर रहा हूँ मैं, बकवास कर रहा हूँ हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ। अबे बताता हूँ मैं। ओए सुल्तान, बताता हूँ मैं। नहीं कर, क्या कर रहा है तू? कल छोड़ दे, चल जाएगी पीछे कर। धोखा दिया तूने मुझे। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ? छोड़ दे, क्या कर रहा हूँ? बता, नहीं कर। हैं दांत पीछे डाले। धोखा दिया तूने सुल्तान के साथ? धोखा स्टॉल चल जाएगी, पीछे डाले। दांत के साथ धोखा? सुल्तान नहीं कर, पीछे डाले। सुल्तान के साथ धोखा किया? सुल्तान नहीं कर। रही रोज
कोई दूर मुझसे।